नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्किन से रिलेटेड किसी इन्फेक्शन से परेशान हैं, या पेट से रिलेटेड या लंग से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, या डॉक्टर ने आपको क्लेथ्रोमाइसिन मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो हम सब बताएंगे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम बताएंगे इस मेडिसिन को कब और क्यों लेना चाहिए, क्या इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके डोज क्या है और कब तक इसे ले सकते हैं, और भी बताएंगे काफी कुछ। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि क्लेथ्रोमाइसिन का यूज हम किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। क्लेथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के ग्रुप से बिलोंग करती है। इस ग्रुप के मेडिसिन का यूज सीवियर बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लंग से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे फेरेंजाइटिस, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया में। स्किन इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि वुड इन्फेक्शन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जैसे पेट से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। बात करें इसकी डोज और ड्यूरेशन के बारे में, तो किसी भी एंटीबायोटिक को लेने से पहले अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को हमेशा फॉलो करें, क्योंकि आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही राइट डोज और ड्यूरेशन आपको सजेस्ट करते हैं। जनरली अडल्ट इसकी 250 mg की टैबलेट दिन में दो बार ले सकता है। अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो इसकी डोज बढ़ा के 500 mg दिन में दो बार भी कर दी जाती है, और इसका कोर्स 6 से 14 दिन के लिए होता है, मतलब इसे 6 से 14 दिन के लिए लिया जा सकता है। 6 महीने से कम के बच्चों में ये मेडिसिन सजेस्ट नहीं की जाती। बच्चों में इसकी डोज और ड्यूरेशन बच्चों के एज और वेट के अकॉर्डिंग अलग होती है। बच्चों में इसे यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। क्लेथ्रोमाइसिन को लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोज़े और वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मुंह का टेस्ट चेंज हो सकता है, सर दर्द हो सकता है और स्किन पे रैशेस भी हो सकते हैं। ये सभी साइड इफेक्ट 1 से 10% लोगों में ही देखने को मिलते हैं। इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे पाल्पिटेशन फील हो सकती है, भूख कम लग सकती है, ऑर्गन में इंफ्लेमेशन स्वेलिंग आ सकती है, माउथ ड्राई, मसल्स पेन, एंजाइटी, नोज ब्लीड, फीवर और चेस्ट पेन भी देखने को मिल सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिले या महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा किसी भी एंटीबायोटिक को लेने से पहले कुछ बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जैसे अगर किसी को लीवर, किडनी और हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू है, या किसी मेडिसिन पे है, या कोई मेडिकल हिस्ट्री है, या प्रेग्नेंट है, या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, तो इन सभी कंडीशन में इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।